एक बार इस लड्डू को खा लेंगे तो और सभी लड्डू का स्वाद भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल सफीना किचन। आज हम शेयर करेंगे मलीदे से लड्डू बनाने की रेसिपी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया। मलीदा लड्डू बनाने के लिए दो लच्छा पराठा इस तरह से तैयार कर लिया है। पराठे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार कर लिया है, तोड़कर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक में ऐड करते हैं। ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। बाउल में ऐड करते हैं। पराठे को पीस कर हमने थोड़ा सा इसमें बचा लिया है। इसके साथ गुड़ को ऐड करते हैं एक बाउल और बारीक पीस लेते हैं। गुड़ को बारीक पीस लिया, बाउल में निकाल लेते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट को 2 चम्मच घी में 2 मिनट तक भून लिया है। 1 चम्मच पोस्ते का दाना ऐड किया है इसमें। ऐड करते हैं बाउल में 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, लड्डू तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस मलीदे का लड्डू बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। इस तरह आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।